हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी A30 का जो है नया अपडेट आया है उसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, और इसमें हम बात करने जा रहे हैं हमारे सैमसंग A30 में जो है नया अपडेट आया उसके बारे में कि उसको अपडेट कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमने अपनी क्या करना है, सेटिंग को अपने कर लेना है, और अपडेट करने से पहले 50% से ऊपर आपकी बैटरी होनी चाहिए, तो वो आपके सेफ्टी के लिए, आपके मोबाइल की सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले अपने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर मैं पहले आपको अबाउट फोन ही दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मॉडल दे दीजिए सैमसंग गैलेक्सी A30 है, और इसका जो अपडेट आया हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अपडेट करते ही हमारे मोबाइल में बहुत अच्छे तरीके जो सा वर्क होती है, और वायरस जो खत्म हो जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है कि अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको लिख रहा होगा यहाँ पर लेटर डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आपने सीधा उसके ऊपर क्लिक करके इसको जो सा वो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा जो सा इंस्टॉल हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो सा मोबाइल अपडेट होने के बाद थोड़ा सा स्मूथ सा रन हो रहा है, स्मूथ रनिंग हो रही है पहले से मोबाइल में काफ़ी अच्छे से। तो अपडेट इसको कर लीजिए और मैं चेक करा देता हूँ। ये देखिए हमारा जो सा सिस्टम है वो अपडेट हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।